तो आप सबने अभी आवाज सुनी होगी जो मैंने मेंदू वड़े की क्रिस्पी आवाज आपको सुनाई है कि ये कितना ज्यादा यमी एंड क्रिस्पी बना होगा। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ साउथ इंडियन डिश यानी कि मेंदू वड़ा। चूंकि आप देख ही चुके, आपको पता चल चुका है, मेंदू वड़ा हम बनाएंगे इंस्टेंट रेसिपी से। आज हम बिना दाल के इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। आज मैं इसको सूजी से बनाने वाली हूँ। सूजी से भी ये बिल्कुल ही वैसे ही टेस्ट का लगता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, अंदर से एकदम स्पॉन्जी ऊपर से क्रिस्पी। आप में से बहुत सारे लोगों को और मुझे भी साउथ इंडियन डिशेस बहुत ज्यादा पसंद है, बट उनको बनाने में जैसे कि आप सब जानते हो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। दाल को भिगो, चावल को भिगो और उसके बाद से उसको बनाना पड़ता है, लेकिन ये रेसिपी फटाफट बन जाती है, आधे घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रेसिपी को, देख लेते हैं किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो मेंदू वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरी सूजी, आधा कटोरी दही, बेकिंग सोडा, नमक, धनिया पत्ते, हरी मिर्च, ये 1 हरी मिर्च है, थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई बारीक, बिल्कुल भी ना पीसें इसको, कूट लें हल्का दरदरा, और आधा छोटा चम्मच जीरा। और यहाँ पर मैंने करी पत्ते ले लिए हैं छोटे साइज़ के, इसलिए मैं सीधे डाल दूँगी, अगर बड़े साइज़ के हों तो आप इसको छोटा छोटा काट लीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी यूज़ करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़े बोल में सूजी को मैं निकाल लूँगी, और ये नॉर्मल सूजी है, बहुत ज़्यादा मोटी वाली नहीं है। इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 1 कटी हुई हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर जो मैंने दरदरा पीसा था, ज़ीरा डाल दिया है मैंने, और हरी धनिया डाल दी है, साथ ही मैं करी पत्ते डाल दूँगी तोड़कर इसमें। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, तो यहाँ पर मैं करीब 1 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड करेंगे दही और सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा करके पानी मिलाएंगे, बहुत ज़्यादा रनी बैटर नहीं बनाना है हमें, इसका एक डो की तरीके का हमको बैटर तैयार करना है, मतलब गाढ़ा भी नहीं हो, बिल्कुल सख्त आटे की तरह भी नहीं हो, बट सॉफ्ट सा हो जैसे कि आप देख सकते हो। साथ ही इसमें हम थोड़ी सी अदरक भी डालेंगे, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लिया है और इसको मैं घिस कर डाल रही हूँ इसके अंदर, इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है। और उसके बाद सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको हम ढककर रख देंगे 15-20 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छे से सूजी फूल जाए, और इसको साइड में कर दें। तो करीब 15 से 20 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि ये काफ़ी अच्छा फूल चुका है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा और थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सोडा अच्छे से मिक्स हो जाए सारे बैटर में। तो आप बैटर जैसे कि देख रहे हो कि ये मतलब एकदम रनी नहीं है, मैं बैटर इसको बोल रही हूँ, बट ये गूंधा हुआ एक तरीके से डो है, तो आपको देख लेना इस तरीके से करके। और तेल मैंने गर्म होने रख दिया है, रिफाइंड ऑयल है ये। साथ में एक कटोरी में पानी लेंगे और हाथों पर इस तरीके से पानी लगाते हुए हम वड़ों को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हाथों में ले लें और बीच में ऐसे होल कर लें, आप देख सकते हो कि ये न बहुत ज़्यादा टाइट है न बहुत ज़्यादा ढीला है, तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी रहती है। जब ये बहुत ही अच्छा बनता है अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से कुरकुरा सा, अगर बहुत ज़्यादा सख्त हम कर देंगे इसको तो ये बहुत ही ज़्यादा ठोस बन जाएगा और मज़ा नहीं आएगा उसको खाने में, और बहुत ज़्यादा रनी होगा तो आप इसको बना नहीं पाओगे। तो इस तरीके से आप हाथों में लेकर भी बीच में ऐसे होल करके भी आराम से डाल सकते हो वड़ों को। किसी वजह से अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिक्सचर थोड़ा ढीला हो गया है तो आप इसमें थोड़ी सूजी ऐड करके उसको थोड़ी देर सेट होने रख दें, तो ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी में हो जाएगा। और इसको अलट पलट के बहुत ही धीमी धीमी आँच पर सेक लेना है, अगर तेज़ आँच रहेगी तो ये ऊपर से तो लाल हो जाएंगे बट अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, इसलिए टाइम टाइम पे आप आँच को चेक करते रहिए। तो मीडियम से लो फ्लेम के बीच में हमें इसको दोनों तरफ से पलट कर सेकना है। तो ये तैयार हो चुके हैं, इनका कलर चेंज हो गया और अंदर से भी अच्छी तरीके से पक गए हैं। एक और तरीका मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से कटोरी ले लीजिए और कटोरी के बैक साइड पर हम पानी को लगा लेंगे और इस तरह से एक पोर्शन रख देंगे और हल्का सा होल कर लेंगे, पानी लगाते हुए फिंगर में एक होल बनाएंगे और इस तरीके से तेल के अंदर इसको ड्रॉप कर देंगे, बहुत ही आसानी से ये गिर जाता है। बस थोड़ा ध्यान रखिए, ज़्यादा पानी लगा होगा तो ये अचानक से छूट जाएगा, तो कहीं आप जल ना जाएं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए इसको तेल के अंदर डालें।
तो ये भी मेथड है जिससे कि आप आसानी से बना सकते हो, अगर आपको हाथ से बनाने में दिक्कत हो रही है तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाने वाली है। कभी आपके घर मेहमान अचानक से आ जाएं तो आप आराम से बनाकर खिला सकते हो, और 2 वड़ों में ही आराम से पेट भर जाता है। इतनी जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई है इसमें आपके 8 वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हमें सारे वड़े बना लेने हैं, और ये भी तैयार हो चुके हैं, इनको मैं निकाल लेती हूँ। इसके साथ सर्व करने की मैं चटनी आपको फटाफट बता देती हूँ। मैंने यहाँ पर नारियल का बूरा लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, थोड़े सी धनिया के पत्ते, और ये मैंने चना दाल ली है जिसको मैंने तवे पर भून लिया है, और उसके बाद इसको मैं पानी डालकर इन सब चीज़ों को पीस रही हूँ। इसके अंदर ऐड करेंगे हम थोड़ा सा नमक, यहाँ पर पहले से डाल चुकी हूँ इसलिए मैं वापस नहीं डाल रही हूँ, और यहाँ पर मैंने राई का तड़का दिया है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो वड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर ये चटनी आपको डिटेल में देखनी है तो मेरे चैनल पर पहले से ही मैंने डाल रखा है रेसिपी, आप ऊपर आ रहे लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके भी देख सकते हैं। तो तैयार हो गए हमारे गर्मा गर्म मेंदू वड़े, एकदम क्रिस्पी। आप देख सकते हो कि ऊपर से जो आपको क्रिस्पी कवर दिख रहा है कितना क्रिस्पी है, और अंदर से उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी। फिर मिलती हूँ एक नया वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप ऑन वॉचिंग।